पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी शोएब मलिक ने हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान एक ओवर में 3 नो बॉल किए थे। इस कारण अब शोएब मलिक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। शोएब मलिक का बीपीएल 2024 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है और ये मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण हुआ है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एंड मोर पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे शोएब मलिक के बारे में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग फॉर्चून बरिशाल और खुलना टाइगर्स के बीच खेले गए मुकाबले में पावर प्ले के दौरान एक ओवर करते हुए शोएब मलिक ने 3 नो बॉल किए थे। किसी स्पिनर के द्वारा नो बॉल करना अक्सर ही चर्चाओं का विषय रहता है और शोएब मलिक ने तो 3-3 नो बॉल किए थे, जिस वजह से अब इस घटना को फिक्सिंग के एंगल से देखा जाने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया है। फॉर्चून बरिशाल ने शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह खत्म कर दिया है। हालांकि इससे पहले गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया था कि शोएब मलिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बचे हुए मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत कारणों की वजह से दुबई जाना है। शोएब मलिक के द्वारा 3 नो बॉल किए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और फैंस ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी पर मैच फिक्स करने तक के आरोप लगाए हैं। मजे की बात यह है कि जब मलिक ये नो बॉल डाल रहे थे तब नॉन स्ट्राइकर पर खड़ा बल्लेबाज इस स्टंप के काफी पीछे खड़ा था और उसकी रन लेने के लिए भागने की कोई मंशा नहीं दिखी थी, जिससे फैंस ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई ये मैच फिक्स था। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इस मामले में आगे क्या एक्शन लिया जाता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।